बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माज़रत चाहता हूँ, थोड़ा सा शुरू में स्टार्टिंग को गड़बड़ हो गई है कम्युनिकेशन। और हम लोग पहुँच गए अपने चैप्टर नंबर 5 पे। बस एक चैप्टर के बाद अल्लाह ताला का शुक्र है रह गया सिर्फ। और जनाब, इस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। दोनों चैप्टर बड़े आसान हैं, बिल्कुल सीधे सीधे बड़े मज़ेदार चैप्टर हैं। और दोनों चैप्टर हैं, मैं बोर्ड के हिसाब से दोनों में से एक में पक्का लॉन्ग सवाल आता है, 5 से आए या 6 से आए, दोनों से भी थोड़ा थोड़ा सवाल आधा आधा लॉन्ग आ सकता है। किताब के अंदर चलते हैं और चैप्टर 5 में आपको नेटवर्क्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। पहले तो ये बताएगा कि कितनी इसकी किस्में होते हैं, पीयर टू पीयर क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, और क्लाइंट टू क्लाइंट क्या होता है। फिर इसका हम लोग पढ़ेंगे जी कि जो एरियाज़ है वो कितना कवर किया जाता है नेटवर्क। अगर नेटवर्क छोटा एरिया कवर करता है तो वो लैन होती है, अगर एक नेटवर्क पूरा शहर कवर करता है तो मैन होती है, अगर वो पूरी दुनिया यानी इंटरनेट कवर करता है तो वो वैन होती है। वो पढ़ेंगे, टोपोलॉजी पढ़ेंगे कि लैन जो है वो उसके अंदर जो है कितनी किस्म का तरीके हैं। जिस आश्रम में सारी ये टोपोलॉजी है ये लैन से रिलेटेड है, बस, रिंग, स्टार और मैश टोपोलॉजी। एक ट्री भी होती है यानी दी हुई। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्पेशल लाइंस पढ़ेंगे, DSL क्या होती है, ISDN क्या होती है, जो आप नेट यूज़ कर रहे हैं, DSL केबल लगवा रहे हैं, आजकल फाइबर ऑप्टिक आई हुई है, और डायल अप वो क्या चीज़ होती है, और आखिर में ट्रांसफ़र रेट, कॉस्ट पर मंथ वगैरह करेंगे। छोटा सा चैप्टर है और पहले इसकी एक्सरसाइज करके एम सी क्यूज़ करते हैं। विच आर द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मोड, जिसमें डाटा दोनों तरफ आ जा सकता है मगर एक वक्त में सिर्फ एक। ये वॉकी टॉकी होती है जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि डाटा जा भी सकता है, आ भी सकता है, मगर एक वक्त में सिर्फ एक बंदा बात कर सकता है। जब वो कहता है ओवर तो अब अगला बंदा बात करता है, इसको हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। और सिंपलेक्स आपको पता है कि जो वन वे कम्युनिकेशन, जैसे टीवी आप देख रहे हैं या आप रेडियो सुन रहे हैं, ये वन वे कम्युनिकेशन सिंपलेक्स है। और जो आप मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं टेलीफोन से, ये फुल डुप्लेक्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एवरी कंप्यूटर कैन एक्ट एज अ क्लाइंट, किस नेटवर्क में सर्वर कौन होता है, हर कंप्यूटर अपनी जगह मुकम्मल सिस्टम है, ये पीयर टू पीयर होता है। इसमें क्लाइंट सर्वर वाला चक्कर कौन होता है, सारे क्लाइंट होते हैं, सारे सर्वर होते हैं, जो डाटा दे रहे हैं वो सर्वर हैं, जो ले रहे हैं वो क्लाइंट। विच आर द फॉलोइंग नेटवर्क में, जिसमें सेंट्रलाइज सिक्योरिटी होती है, ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है, सिक्योरिटी के हिसाब से सबसे बेहतरीन होता है। विच आर द फॉलोइंग कंप्यूटर शेयर रिसोर्सेज, कौन सा कंप्यूटर जो कि अपने सोर्सेज मसलन हार्ड डिस्क वगैरह को, मेमोरी को बाकी नेटवर्क पे शेयर करता है अपना डाटा, वो सर्वर कहलाता है, क्योंकि सर्वर ताकतवर होता है, उसके पास ज़्यादा डाटा और ज़्यादा मेमोरी होती है। विच आर द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे महंगी टोपोलॉजी क्या है, वो मैश है। आजकल मैश टेक्निकली इस्तेमाल नहीं हो रही, बस आप यूँ कह सकते हैं कि इंटरनेट भी एक तरह का मैश ही है, मगर अगर लैन की बात की जाए तो इस दौर में लैन को मैश टोपोलॉजी के तहत बनाना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही महंगा। सबसे बेहतरीन टोपोलॉजी फिर क्या है, जिसमें स्विच हब चाहिए होता है, वो स्टार टोपोलॉजी होती है। कौन सा नेटवर्क है, कौन सा ऐसा एरिया नेटवर्क है जिस जो केबल टीवी और इंटरनेट फॉर्म करता है, जैसे शहर की बात हो रही है, DSL है, केबल टीवी आ रहा है घरों में, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन कहलाता है। शहर के अंदर, घर के अंदर या बिल्डिंग के अंदर हो, किसी बिल्डिंग के अंदर हो, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क या लैन कहलाता है। विच आर द फॉलोइंग प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, DSL है, फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट जा रहा है आजकल, 6 MB, 9 MB, 12 MB, 16 बढ़ता जा रहा है, 24। विच आर द फॉलोइंग नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर क्लास, कौन सा नेटवर्क है जो शहरों और मुल्कों के कंप्यूटर्स को, नेटवर्क को आपस में मिलाता है, वो इंटरनेट यानी वाइड एरिया नेटवर्क है। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो वाइड एरिया नेटवर्क की है वो इंटरनेट है। कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें टर्मिनेटर यूज़ होते हैं, अगर डाटा आपस में टकरा जाए तो फिर वो जो साइडों पे एब्जॉर्बर या टर्मिनेटर लगे होते हैं, वो उस डाटा को चूज़ कर ख़त्म कर एब्जॉर्ब करते हैं, ये बस टोपोलॉजी में होता है। जो मेन बैकबोन यानी बस होती है, उसके दोनों तरफ जो है ना वो टर्मिनेटर लगे होते हैं, ऐसे डाटा को वो चूज़ कर ज़ाय कर देते हैं जो कि किसी को मिल ना सका हो किसी वजूहत की वजह से। अगला सवाल, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है,
कोई से तीन डिफिकल्ट बताएं जो कि एक कंपनी फेस कर सकती है अगर उसका नेटवर्क नहीं बना हुआ। इसका जवाब कंसेप्चुअल है, अपने पास से देना पड़ेगा इसका जवाब। मैंने खुद लिखा है 141 पेज पर, आप इसको कॉपी कर लें। पहले तो बता दें कि देर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, आप हार्डवेयर को कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर लफ्ज़ इंस्टेंस है, सॉरी मैं ठीक कर देता हूँ, इंस्टेंस कहते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल यानी फॉर इंस्टेंस, लो जी फॉर इंस्टेंस, मतलब आप हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं नेटवर्क पे, सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, अपनी फाइलों को इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कंप्यूटर पर नेट लगाया जाए। अगर इस कंपनी के अंदर एक अच्छा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है तो उसको कई किस्म की डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। उसको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंडिविजुअल लेने के लिए। इसके अलावा डाटा कम्युनिकेशन अगर नहीं है, जो कि आजकल किसी भी कंपनी की बैकबोन है, मालूमात का तबादला, उसमें उसको परेशानी पेश आ जाए। तो इसलिए एक बेहतरीन कंप्यूटर नेटवर्क होना आजकल हर कंपनी की ज़रूरत है, ये बता दें। स्क्रीन बड़ी करता हूँ मैं ताकि थोड़ा सा मज़ीद नज़र क्लियर हो जाए आपको। यानी जी अगला सवाल जनाब, व्हाट इज़ मीन बाय डाटा ट्रांसमिशन 142। सीधे सीधे बिल्कुल सवाल है। बाकी डाटा ट्रांसमिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को डाटा भेजने का नाम डाटा ट्रांसमिशन कहलाता है। इसमें सेंडर भी इस्तेमाल होता है यानी भेजने वाला, रिसीव करने वाला, और कोई दरमियान में मीडियम होता है जिससे डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। चाहे वो इंटरनेट है, चाहे लोकल एरिया नेटवर्क है, चाहे आपकी केबल है, चाहे DSL है, कोई ना कोई, या सेटेलाइट कम्युनिकेशन है, दरमियान में कोई ना कोई वास्ता होना चाहिए जिससे डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में क्या फ़र्क है? पेज नंबर 142 एंड 143। यही बिल्कुल आखिर पे आ जाए। हाफ डुप्लेक्स तस्वीर लाजमी, डायग्राम लाजमी बनाना है। हाफ डुप्लेक्स मोड में आप मालूमात दे भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन इकट्ठी नहीं। ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन वन एंड इज एक वक्त में एक इदारा काम कर सकता है, एक मशीन। जब ATM यूज़ कर रहे हो तो या आप यूज़ कर रहे हैं या आप मशीन आगे से आपको सर्व करके दे रहे हो, काम इकट्ठे नहीं हो रहे, आपसे दयात लेती है, उसके बाद आप वेट करते हैं। वैसे ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल जो है वो वॉकी टाकी होता है, जो कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। आपने रास्ते में पुलिस वालों के पास, सिक्योरिटी इदारों के पास, या ये जो ट्रैफिक वाले खास करके होते हैं, इनको वो डिवाइस उठा के और बात करते देखा होगा, उसके बाद वो ओवर कहते हैं। मतलब है कि वो चूंकि नेटवर्क है, सारी बात उनकी सुन रहे हैं, मगर जिसने बोलना है वो बटन दबाएगा और बोलेगा, फिर बाकी नहीं बोल सकते। तो असल में सबसे बड़ी एग्जांपल जो हाफ डुप्लेक्स की है वो वॉकी टाकी। बहरहाल ये एग्जांपल दे दें। इस तरह फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है जी? आपको जो आजकल कम्युनिकेशन हो रही है, आप डाटा ले रहे हैं, भेज रहे हैं, या आप फ़ोन की अगर बात करें तो आप बातचीत कर रहे हैं, ये सारी एग्जांपल है फुल डुप्लेक्स की। एक वक्त में डाटा जा भी सकता है और उसी वक्त डाटा साइमल्टेनियसली। यहाँ पर फ़र्क सिर्फ साइमल्टेनियसली का है, ऊपर था नॉट साइमल्टेनियसली, यहाँ पर है साइमल्टेनियसली। एक वक्त ये लिखा हुआ है कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन लाइन या कंप्यूटर की आपस में कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए। डिफाइन नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है? पेज नंबर 143। जी है जी, नेटवर्क आर्किटेक्चर टॉपिक नंबर 5.1.4। नेटवर्क आर्किटेक्चर रेफर्स टू द लेआउट ऑफ नेटवर्क, जिससे आपस में कंप्यूटर एक तरह की रिप्रेजेंटेशन हो रही है, सॉफ्टवेयर हैं, वायरें हैं, वायरलेस ट्रांसमिशन हो रही है कंप्यूटर के दरमियान। कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी स्मॉल, कंप्यूटर नेटवर्क छोटा भी हो सकता है, आप कम से कम दो कंप्यूटर को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं एक केबल के जरिए। बड़ा नेटवर्क से बना सकते हैं जिसमें हज़ारों कंप्यूटर हों और कई डिवाइस इस्तेमाल हो रही हों। अब अगला फिर उसका सवाल आ गया कि फिर जो उसका पहला हिस्सा है मशहूर आलम, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर क्या होता है, ये क्या चीज़ है? पेज नंबर 143 पे इसी के आगे है ये जी, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तस्वीर लाजमी बनानी है साथ, चाहे शॉर्ट है तब भी डायग्राम बनाना है। कंप्यूटर ज़्यादा ना बना दें, दो तीन कंप्यूटर बना दें, लेकिन क्लाइंट डन का नाम दे दें, WS1, WS2, WS3, और इसको नाम दे दें सर्वर। WS का मतलब होता है वर्क स्टेशन, क्लाइंट जो होते हैं उनको वर्क स्टेशन भी कहते हैं, जो कि सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। अ सर्वर इज़ अ मेन कंप्यूटर इन द नेटवर्क। सबसे मेन कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क पर जो मैनेज करता है नेटवर्क रिसोर्सेज को, फैसिलिटीज देता है बाकी कंप्यूटर्स को,
जबकि क्लाइंट्स वो कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क में किसी सर्वर के साथ जुड़े होते हैं और सर्वर से वो आपका डाटा लेते रहते हैं। इन्हें क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ईच कंप्यूटर अंडर नेटवर्क एक्ट एज आइदर अ सर्वर और क्लाइंट। किसी भी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में या तो कोई कंप्यूटर क्लाइंट होगा या फिर वो सर्वर होगा, इसके अलावा कोई और सूरत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद सवाल जी लैन और वैन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल जी, सारे इंपॉर्टेंट तीन सवाल हैं। लैन और वैन, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, यहाँ पर जनाब इनके दिए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, बस आपने वो तैयार करने हैं। चार चार पॉइंट्स हैं तो 3 नंबर मिल जाएंगे। ये जी, ये पहले लोकल एरिया नेटवर्क है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला पॉइंट डेफिनेशन बता दें कि लोकल एरिया नेटवर्क कॉमनली यूज नेटवर्क है, ये वो नेटवर्क है जो कि कवर करता है लिमिटेड एरिया को। अच्छा वो यहाँ पर लिखा हुआ, बस ठीक है, सीधा सीधा ये चार चार पॉइंट दे दें, बेहतर दरम्यान में लाइन लगा दें। चार पॉइंट ये हो गया कि लैन लिमिटेड एरिया होता है, इसकी जो स्पीड है बहुत फास्ट होती है, डाटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत ही कम होती है, ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो किसी इदारे का अपना होता है, इसमें हर चीज़ आपकी जाती है। ये चार पॉइंट, और इसको कंपेयर करना है वैन के साथ। वैन जो है वो स्पैन करता है बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया, इसमें शहरों और मुल्कों के दरमियान डाटा ट्रांसफर हो रहा है, कंप्यूटर कनेक्ट है, इस वजह से फिर ट्रांसमिशन स्पीड स्लो होती है, फिर प्रॉब्लम भी अक्सर आती रहती है, रोज़ाना आपको आए दिन नेट का मसला बना रहता है। और इसमें जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो लीज होता है या पब्लिक सिस्टम होते हैं, किसी की ज़ाती जागीर नहीं होती, या आप सेटेलाइट यूज़ करते हैं या फाइबर ऑप्टिक यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इतना महंगा प्रोजेक्ट होता है कि कोई बंदा ज़ाती तौर पर वैन सिस्टम नहीं बना सकता। तो बेहतर यह कि ये चार पॉइंट या तो ऐसे लिख लें जैसे मैंने किताब पर लिखी हुई है, या दूसरे बेहतर तरीका यह है कि दरमियान में लाइन लगाएं, एक तरफ लिख लें लैन और एक तरफ लिख लें वैन, और ये 1.1 पॉइंट आमने सामने जो तरीका पहले भी हम कर चुके हैं बताते रहें, ऐसे करते रहें। अगला सवाल जी, स्टार टोपोलॉजी क्यों रिलायबल होती है बस या रिंग के मुकाबले में? पेज नंबर 150, ये 147 पेज, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। लॉजिकल जनाब, पेज नंबर 150 आ गई, स्टार टोपोलॉजी आ गई। पहले तो पहली लाइन बता दें कि स्टार टोपोलॉजी में ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड स्विच या हब, ये जो है इसको हब या स्विच कहते हैं। अब इसके एडवांटेज बता दें, यही एडवांटेज इसके बाकी दोनों से बेहतर है कि ये फास्ट कम्युनिकेशन करती है कंप्यूटर्स के दरमियान, ईजी टू कनेक्ट होती है, किसी कंप्यूटर को चेंज करना और रिमूव करना हो तो बड़ा आसान है, उसे नेटवर्क कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये ख़राब हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डज नॉट स्टॉप फंक्शन एंटायर नेटवर्क, वही बात जो मैं पहले बता चुका हूँ, कोई कंप्यूटर ख़राब हो गया तो आप फ़ौरन जो लाइट इंडिकेटर है वो बंद हो जाएगा, उसे पता लग जाएगा कि भाई फ़लाँ कंप्यूटर इस वक्त काम नहीं कर पा रहा, या तो केबल ख़राब है या वो बंद है, ये तो फिर मतलब क्या हुआ, ईजी टू डिटेक्ट एंड फिक्स फॉल्ट। अमूमन 90% नेटवर्किंग यहाँ भी देखी जाती है, वहाँ पर यही स्टार टोपोलॉजी यानी स्विच या हब इस्तेमाल होता है। ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर आप स्टार की शक्ल में आपस में कनेक्ट करें, बेसिकली ये समझाने के लिए डायग्राम ऐसे बनाए गए, और अमूमन एक कोने में हब पड़ा होता है और जहाँ सर्वर होता है, और फिर बाकी कंप्यूटर तारों के जरिए या वाई आई का तो वायरलेस लैन आ गई है और वायरलेस कार्ड लगे उसके साथ लगे होते हैं। मेंशन एनी थ्री प्रॉब्लम अकर, अगर पीयर टू पीयर नेटवर्क इज़ यूज फॉर बड़ा इदारा अगर यूज़ करना चाह रहा हो तो फिर क्या प्रॉब्लम आएंगी, यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क के डिसएडवांटेज बताने हैं, सीधी सीधी गलत दसाने, और इसके लिए पेज नंबर 144 पे आना पड़ेगा, ये 147 145 जी, ये इसके दो डिसएडवांटेज हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क जो है वो सुटेबल फॉर नॉर स्मॉल नंबर ऑफ यूज़र के लिए होता है, लार्ज के लिए यूज़ नहीं होता, रेंज बिटवीन 2 और 10 कंप्यूटर, लार्ज पीयर टू पीयर नेटवर्क बिकेम डिफिकल्ट टू मैनेज, उनको फिर मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगले पॉइंट, इट डज नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी सेंट्रलाइज, सिक्योरिटी कौन होती, नो सिंगल पर्सन इज असाइन टू एडमिनिस्ट्रेटर रिसोर्स ऑफ वार, तो फिर क्या होता है, इंडिविजुअल यूजर का मुकम्मल कंट्रोल होता है डाटा के ऊपर और कंप्यूटर के रिसोर्स के ऊपर, तो यानी साबित वो किसी बड़े दायरे के लिए पी टू पी नेटवर्क जो है वो फजूल और बेकार है। पी टू पी ये एक तरह का यूं समझे वही मैश हो गया ना, मैश टोपोलॉजी, हर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो फिर कोई नहीं ना कोई चस्का नहीं आया सर जी।
अगले ना, अब शॉर्ट क्वेश्चन दो रह गए। व्हाट इज ISDN? ये दोनों साथ साथ हैं, पेज नंबर 151 पे है। ISDN क्या है? और व्हाट इज CDMA टेक्नोलॉजी? ये दो क्या चीज़ें हैं? पेज नंबर 151 और 152, जो लीज लाइन होती है तेज तरीन, उसको ISDN कहते हैं। फिर वापस वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से सिलसिला शुरू किया, यानी पेज नंबर 151। ये जी, ISDN। ISDN को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये मैक्सिमम स्पीड होती है 150 किलोबिट। ये उस दौर की बात है जब अभी टेलीफोन लाइन यूज़ की जाती थी, तो इसलिए उस वक्त ये बड़ी तेज़ लीज लाइन कहलाती थी। मगर अब तो बता रहा हूँ, DSL आ गई है। DSL तो से कई हज़ार गुना तेज़ है। इट के अब तो डाटा मेगाबाइट्स में जाता है, वो किलोबाइट में था। किलोबाइट में, किलोबिट में था इवन, बहुत थोड़ा। इट कैन ट्रांसमिट बोथ वॉइस एंड डाटा एट द सेम टाइम ओवर सिंगल केबल, जैसे आजकल होता है। इट रिक्वायर्स डेट द यूजर हैज आईज इन डिस्क्रिप्ट स्पेशल टेलीफोन लाइन। टेलीफोन कंपनी को कॉल करके लेनी पड़ती थी और तेज़ मोडेम लेना पड़ता था, लेकिन आजकल इसको रिप्लेस कर दिया गया है DSL सर्विस से। ISDN नो मोर, अब DSL आ गई। इसी के आगे है CDMA टेक्नोलॉजी। क्या होती है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये वायरलेस सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ये जो आप मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं सारा कुछ, ये CDMA टेक्नोलॉजी है, याद रखें। इसमें जनाब शॉर्ट मैसेजिंग आती है, वॉइस आप भेज रहे हैं, डाटा भेज रहे हैं, वीडियो भेजते जा रहे हैं। इट कैन प्रोवाइड स्पीड ऑफ सेवरल मेगाबिट फॉर वीडियो ट्रांसमिशन। ये वायरलेस सेलुलर कम्युनिकेशन है, मोबाइल के जरिए। सेलुलर मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन को असल में सेल फोन कहते हैं, सेलुलर फ़ोन। हम लोगों ने इसको मोबाइल या मोबाइल कह दी है। मोबाइल फिर ठीक है बात, इसको हम जैसे मोबाइल भी कहते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज, लॉन्ग सवाल शुरू हो गया। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग आर नेटवर्क्स? पेज नंबर 141 एंड 142। लो जी, फुल फुल कुल कुल एडवांटेज ऑफ यूजिंग आर नेटवर्क। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर वन, टॉपिक नंबर 5.1.2। सबसे बड़ा जनाब एडवांटेज ये है कि हार्डवेयर शेयरिंग हो जाती है। हर कंप्यूटर को टेराबाइट्स की हार्ड डिस्क लेने की जरूरत नहीं है। एक सर्वर को बड़ा हार्ड डिस्क दे दें, उसके बाद उसको इस्तेमाल करते रहें। प्रिंटर बार बार हर कंप्यूटर के लिए खरीदने की जरूरत नहीं है। आपने बैंकों में देखा होगा, बड़े इदारों में, वहाँ हर कंप्यूटर के साथ प्रिंटर कोई नहीं होता, बल्कि खास जगह पर लगा होता है, और जिस जिसको चाहिए होता है वहाँ से प्रिंट निकालना शुरू करता है। वो बारी बारी उनको निकाल के देता रहता है। बहुत बड़ा एडवांटेज ये है, प्रिंटर का भी लिखा हुआ है। सॉफ्टवेयर शेयरिंग हो सकती है, ऐसे प्रोग्राम इंस्टॉल, जैसे बैंकिंग सिस्टम के प्रोग्राम है या ATM का सिस्टम जो है, वो हर कंप्यूटर पर इंडिविजुअल नहीं होता। वो उनका जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, वो असल प्रोग्राम, असल डाटा सारा वहाँ पर है, और उसको फिर बाद में नेटवर्क के जरिए शेयर किया जाता है। तभी तो कई दफ़ा आप बैंक में जाएँ तो वो कहते हैं जी कि सिस्टम डाउन है और इशू बना हुआ है, तो वो ये चक्कर है। फिर फाइल शेयरिंग आप कर सकते हैं, डाटा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इंटरनेट शेयरिंग हो सकती है, अगर 100 किसी दायरे में 100 कंप्यूटर हैं, तो हर एक को अपना इंटरनेट लेने की जरूरत नहीं है। एक बड़ा अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट ले लें, बाकी नेटवर्किंग के जरिए आपस में उसको नेटवर्क को शेयर कर लें, तो तमाम कंप्यूटर पर चलना शुरू हो जाएगा, जैसा कि यूनिवर्सिटीज़ इदारों में हो रहा है आजकल। तो ये इसके यहाँ तक थे जनाब चार बड़े एडवांटेज किसी भी नेटवर्क के: फाइल शेयरिंग, इंटरनेट शेयरिंग, सॉफ्टवेयर शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग। थोड़ा सा मैं उसको रिफ्रेश करूँ, स्लो हो गया। तब तक अगला सवाल पढ़ लेते हैं, लॉन्ग नंबर टू है हमारा। डिस्क्राइब क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और पीयर टू पीयर नेटवर्क पे नोट लिखें, 143 एंड 144 पेज। 143 पेज आ गया जी ना। पहले तो आ गया नेटवर्क आर्किटेक्चर में, दो उसने पूछे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर टू मैंने मेंशन कर दिया, पहले आप दे दें सर जी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, उसके साथ डायग्राम मस्ट बनाना है, पूरा पूरा लिखना है, आप फुल फुल लिखना है क्योंकि लॉन्ग सवाल है। उसके बाद इसके खसूसियात भी बतानी है, आप खसूसियात में एडवांटेज भी आ जाते हैं और डिसएडवांटेज भी आ जाते हैं। उसके बाद पीयर टू पीयर नेटवर्क बनाना है। अगर आप शक्ल देखें तो क्लाइंट सर्वर की जो शक्ल है, वो एक तरह के स्टार टोपोलॉजी से तकरीबन मिलती जुलती है। अगर आप इसकी शक्ल देखें तो ये मैश टोपोलॉजी से मिलती जुलती है। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क बताना है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, साथ ही वो शॉर्ट भी कवर हो जाएगा। यहाँ तक आपने करना है बस।
और डिस्क्राइब टाइप ऑफ नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, कवर कवरिंग एरिया के हिसाब से, यानी वो नेट टोपोलॉजी नहीं पूछी गई बल्कि एरिया कवर्ड यहाँ भी आ जाए, मतलब है लैन वैन और मैन की बात हो रही है। 145 से 147 तक, यहीं से शुरू हो रहा है जी, 145 एंड 147 जी। लॉन्ग नंबर 3, पहले लोकल एरिया नेटवर्क, ये इसके जहाँ आप डायग्राम बना दें, स्विच हब हो गया, सर्वर हो गया, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें अभी जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़े हैं, उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क बता दें, इंटरनेट इसकी भी डायग्राम दे दें क्योंकि लॉन्ग सवाल है। सीधा सीधा बात यह कि दो नेटवर्क बना दें, लैन आपस में उनको लीज लाइन से जोड़ दें तो ये बन जाएगा वैन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें। उसके बाद आ गया जी आपका DSL और केबल TV वगैरह, मेट्रोपॉलिटन आ गया, इसको जनाब डायग्राम भी बना दें, एक बिल्डिंग के अंदर शहर के अंदर लिख दें, विद इन अ सिटी ब्रांच ऑफिस हेड ऑफ, एक सपोज है किसी शहर में कि एक स्कूल या कॉलेज है उसके तीन चार ब्रांचेज हैं, आपस में उन्हें कनेक्ट कर दिया, जैसे यूनिवर्सिटी है उनके कई जगह जगह कैंपस होते हैं वो आपस में कनेक्ट हो गए, तो ये जैसे केबल TV है, तो ये सारा एग्जाम्पल है मैन की, यहाँ तक करना है। दो डायग्राम कम अज़ कम लाजमी होती से भी बना दें तो ज़्यादा बेहतर है, डायग्राम से बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ टोपोलॉजी, अब टोपोलॉजी आ गई, चार के चार बतानी है, पहले जनाब बतानी है टोपोलॉजी। अच्छा, ये इसके अलावा अब इसमें चैप्टर में एक्स्ट्रा सवाल भी हैं, मसलन ब्लूटूथ नेटवर्क क्या होता है, ये एक्स्ट्रा सवाल है। उसके बाद PAN क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, ब्लूटूथ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये है। उसके बाद इंटरनेट की डेफिनेशन, व्हाट इज़ इंटरनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, यहाँ से लेकर यहाँ तक, व्हाट इज़ इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क क्या है, ये भी एक्स्ट्रा सवाल है। एक एक्स्ट्रा सवाल हो गया, दो एक्स्ट्रा सवाल हो गए, ब्लूटूथ तीन एक्स्ट्रा सवाल हो गए। लो जी लॉन्ग सवाल, तो ये एक और एक्स्ट्रा सवाल हो गया, व्हाट इज़ टोपोलॉजी, होती क्या है भाई, द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ ए नेटवर्क नोड इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी, अ नोड रिप्रेजेंट अ कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क के ऊपर जो कंप्यूटर है उसको नोड कहते हैं, ये एक्स्ट्रा सवाल, चार एक्स्ट्रा हो शॉर्ट। अब आगे जो हमारा असल लॉन्ग सवाल है, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, पहले बस हो गया उसकी डायग्राम, ये जो दरमियान में ये लाइन है बैकबोन, इसको बस कहते हैं। आपने कभी बस में देखा होगा अंदर जा कर के दरमियान में रास्ता होता है और दोनों तरफ सीटें हैं, बंदे बैठे होते हैं सेम इस तरह, तो यही बस है पे, और ये साइडों पे दो टर्मिनेटर लगेंगे जो ख़राब डाटा को चूज कर ख़राब ख़त्म कर देते हैं। इसके एडवांटेज क्या हैं और इसके लिमिटेशन क्या हैं। फिर रिंग टोपोलॉजी आ गई, डाटा रिंग की शक्ल में ऐसे क्लाक वाइज एंटी क्लाक वाइज फिरता रहता है, पैकेट टू पैकेट, कंप्यूटर टू कंप्यूटर जाता है, इसके एडवांटेज क्या हैं, सबसे कम इसमें खर्चा होता है बनाने का, मगर एक कंप्यूटर भी ख़राब हो जाए तो फिर पूरा का पूरा नेटवर्क बैठ जाता है क्योंकि सब आपस में जुड़े हुए थे, एक भी हट गया तो बात छुट्टी हो गई। और तीसरा फिर आ गई स्टार टोपोलॉजी, जिसमें एक दरमियान में स्विच लगती है जो कंट्रोल करती है पूरे नेटवर्क को, अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ के आ रहे हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं लेकिन इसकी लिमिटेशन भी हैं, अगर अब ख़राब हो जाए तो फिर छुट्टी होगी, जारी बात है केबल बहुत ज़्यादा लगती है, ये भी इसका डिसएडवांटेज है, तो फिर जब केबल ज़्यादा लगती है और स्विच भी है तो फिर महंगा भी है, कॉस्टली। मैश टोपोलॉजी बहुत कम इस्तेमाल होता है क्योंकि इसके बहुत खर्चा चाहिए, हर कंप्यूटर बराबर होता है, ये वही एक तरह का पीयर टू पीयर है, इसमें कोई सर्वर नहीं है, सारे आपस में कनेक्ट होते हैं, मगर इसकी लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है, डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट, मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी, नया कंप्यूटर ऐड करना या रिमूव करना हो तो मसला, बहुत केबल चाहिए, यहाँ तक। आखिरी सवाल, डायलअप और DSL इंटरनेट कनेक्शंस क्या होते हैं, डायलअप और पुराने वाला ISDN और मोडेम जो लगते थे कंप्यूटर में, टेलीफोन लाइन इस्तेमाल होती थी, आजकल फाइबर ऑप्टिक अलग केबल आ गई है, वो DSL, पेज नंबर 151। लो जी पहले तो डायलअप लाइन आ गई, बहुत कम स्पीड थी पुराने मोबाइल्स की, मोडेम्स की 8 किलोबाइट थी टोटल, और टाँव टाँव होती रहती थी बहुत, टेलीफोन लाइन यूज़ की जाती थी, मगर जब नेट इस्तेमाल होता था तो कॉल नहीं आती थी, कॉल करेंगे तो नेट ख़त्म हो जाता था, फिर आ गई DSL, उसके बाद बल्कि ISDN आया जो हम नीचे पढ़ चुके हैं, उसके बाद फिर अभी लेटेस्ट DSL। ये ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी है, कोई भी नेटवर्क जिसमें स्पीड 256 किलोबिट से ऊपर हो, यानी आप ये जनाब बन गया आपका जी 28 किलोबाइट से ऊपर अगर हो तो ये जनाब आपका ब्रॉडबैंड कहलाता है, और उसके लिए DSL यूज़ की जाती है, यहाँ तक का नाम।
जारी बात है, पैसे देने पड़ते हैं। आईएसपी जो कंपनी आपको नेट दे रही है वही आपको डीएसएल प्रोवाइड करती है, जैसे पीटीसीएल वाले हैं। अब तो पाकिस्तान में लोकल कंपनीज भी आ गई हैं। तो जनाब चैप्टर ये वाला ख़त्म हो गया और शुरू करने जा रहे हैं अगला चैप्टर जो है हमारा आखिरी चैप्टर। उसका नाम क्या है जी? कोई नाम पता तो पहले, ये मोडेम था जी जो कि लगता था कंप्यूटर के अंदर, ये अंदर लगता था इंटरनल था और ये एक्सटर्नल मोडेम था। बड़ी मशहूर कंपनी थी यूएस रोबोटिक्स, वो बनाती थी। आपका वाईफाई आ गया, रूटर्स, वायर डीएसएल मोडेम, रूटर आ गए घरों में आकर लगी हुई नेट के लिए, आईएसडीएन आ गई, स्पेशल लाइंस, तो ये भी चारों एक्स्ट्रा सवाल इस चैप्टर केस में, बहुत इसमें एक्स्ट्रा सवाल थे। डायल अप के कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, डीएसएल के बता दें, दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है। आई एस डी एन और सी डी एम ए हमने ऊपर कर लिए, इसका भी एक्स्ट्रा सवाल डिफरेंस आ सकता है। और हम जनाब पहुँच के अपने आखिरी चैप्टर पे जो मेरा ख्याल है सिक्योरिटी प्राइवेसी के बारे में, जैसा कि पंजाब बोर्ड्स की किताब आखिरी चैप्टर है, सेम चीज़ है, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड इथिक्स। मगर इसके लिए अगली वीडियो, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।